सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि लगातार आप लोग को जितने भी प्रोजेक्ट वर्क मिलते हैं, हम सभी को लगातार आप लोगों के लिए उन सभी वीडियोस को लेकर के आते हैं जिनसे आप लोगों को प्रोजेक्ट में हेल्प मिल सके। तो यहाँ पर हम आज आपको सेकेंड सेमेस्टर में यहाँ पर देखिए जो विज्ञान विषय है जिसमें पॉइंट नंबर 2 में दिया हुआ है प्रकाश के परावर्तन व अपवर्तन को स्पष्ट करने हेतु मॉडल या चार्ट बनाना है आपको। तो ये बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छे से मैं आपको इसको समझाने वाली हूँ। तो आप लोग प्लीज दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने चार्ट को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, आप लोगों को ये मिला तो है बनाने के लिए, लेकिन इससे पहले आप समझिए कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है और किस तरीके से इसका अपवर्तन होता है। परावर्तन और अपवर्तन दो अलग अलग घटनाएं हैं और बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाने वाली हूँ और आप आसानी से इसको समझ भी जाओगे। देखिए, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है और जिस सीधी रेखा पर वह चलता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। आप सभी को पता है प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश का परावर्तन वस्तु की सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को वापस भेजने की प्रक्रिया है। एक समतल दर्पण पर रखी एक वस्तु के परावर्तन से बनने वाली छवि अलग अलग स्थानों पर बनती है। ये जो ये लड़का कर रहा है, ये क्या कर रहा है, देखिए ये सूर्य की किरणें आ रही है। इसने एक हाथ में एक मिरर लिया हुआ है, एक शीशा लिया हुआ है। तो इससे क्या हो रहा है, जो सूर्य की किरणें इस पर आ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर के यानी कि परावर्तित होकर के कहां जा रही है, परावर्तन के पश्चात ये आपको कहीं पर इसकी छाया दिखती है। तो ये बचपन में आप सभी ने किया होगा, ये बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसको। इस तरीके से सूर्य की किरणें आती हैं शीशे पर तो शीशा चमकता है। क्यों चमकता है, तो ये आपको इसका आंसर आज मिल गया होगा, परावर्तन के कारण। ठीक है, तो इस तरीके से समतल दर्पण पर जब किरणें पड़ती हैं सूर्य की तो वो क्या होती हैं, परावर्तित हो जाती हैं या उनका परावर्तन हो जाता है। तो किस तरीके से इसको हमें चार्ट पे बनाना है, अब यहां पर देखिए समतल दर्पण पर रखी एक वस्तु के परावर्तन से बनने वाली छवि अलग अलग स्थानों पर बनती है। वस्तु की सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को जिस प्रक्रिया के माध्यम से वापस भेजा जाता है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसलिए जब किसी वस्तु की सतह पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वह प्रकाश को वापस भेज देता है। इसका मतलब क्या है, जब सूर्य की किरणें शीशे पर पड़ी तो शीशे ने क्या किया, प्रकाश की किरणों को दूसरी जगह पर भेज दिया। आप देख सकते हो कि सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी आ रही हैं और ये जब इस शीशे से टकराती हैं तो ये कहाँ चली जाती हैं, ये आप देखिए ये दीवार पर, यानी कि प्रकाश की किरणों को इसने क्या किया, परावर्तित कर दिया। किसने, इस शीशे ने। अब देखिए इसको आप कैसे समझोगे, जैसे ये मान लीजिए सूर्य की किरणें आ रही हैं, ये आपका शीशा है समझ लीजिए इसको, ठीक है, और ये अविलंब है। सूर्य की किरणें इस तरीके से यहां से आपतित किरण सूर्य की आ रही है और ये जो शीशा है इससे टकरा करके बिल्कुल सीधे ऐसे परावर्तित किरण निकल जा रही है, आपने देखा अभी, और ये अभिलंब है। तो इसी तरीके से आपको अपने चार्ट पर बनाना है ये, ठीक है। तो ये आपतित किरण ये आपतन कोण बनाती है और परावर्तित किरण परावर्तन कोण बनाती है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के होता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। और ये तीनों आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये शीशा है और यहाँ पर पूरा हमारा वायुमंडल है। यहाँ से किरणें आ रही हैं, शीशे से टकरा रही हैं, फिर वापस चली जा रही हैं। तो इस तरीके से ये तीनों एक ही तल में होते हैं। अब देखिए समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने से पहले आइए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों जैसे परावर्तन किरण, परावर्तित किरण, परावर्तन बिंदु नॉर्मल, परावर्तन बिंदु पर, परावर्तन कोण और प्रतिबिंब का कोण का अर्थ समझ ले। परावर्तन किरण, एक दर्पण के सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तन किरण कहा जाता है, जैसा कि मैंने बताया ये क्या है आपकी परावर्तन किरण है, ठीक है, ये आपकी परावर्तन किरण है जो वापस चली जाती है। और देखिए परावर्तन बिंदु, दर्पण की सतह पर जिस बिंदु पर परावर्तन की किरण पड़ती है उसे हम परावर्तन बिंदु कहते हैं। परावर्तित किरण, परावर्तन बिंदु से दर्पण द्वारा वापस भेजी गई प्रकाश किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये आपका हो गया परावर्तन किरण और परावर्तित किरण, ये हो गई आपकी, या इसको हम आपतित किरण भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सूर्य की तरफ से क्या आ रही है ना, तो ये आपतित हो गई और ये यहां से टकराने के बाद क्या हो रही है, परावर्तित हो जा रही है, तो ये परावर्तित किरण हो गई। अब देखिए इसके बाद नॉर्मल, परावर्तन बिंदु पर
दर्पण की सतह पर लंबवत या समकोण पर खड़ी रेखा को नॉर्मल कहते हैं या अभिलंब कहते हैं, इसी को हम नॉर्मल या अभिलंब कहते हैं। ये बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाता है शीशे से, आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये बीच में आपतन बिंदु होता है। परावर्तन का कोण, नॉर्मल के साथ परावर्तन किरण द्वारा बनाया गया कोण परावर्तन कोण कहलाता है, यानी कि ये जो कोण होता है ये परावर्तन कोण, ठीक है, होता है। अब देखिए प्रतिबिंब का कोण, परावर्तित किरण द्वारा नॉर्मल के साथ परावर्तन बिंदु पर बनाया गया कोण प्रतिबिंब का कोण कहलाता है। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या हैं? प्रकाश के परावर्तन का नियम समतल दर्पण के साथ साथ गोलाकार दर्पण पर भी लागू होता है। इस लेख पे हम समतल दर्पण द्वारा बनाए जाने वाली छवियों के बारे में ही चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, परावर्तन के बारे में पूछा है और अपवर्तन के बारे में पूछा है। परावर्तन का पहला नियम क्या है? पहले नियम के अनुसार परावर्तन किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल तीनों एक ही तल में होंगे, ठीक है। तो परावर्तन किरण को ही आप आपतित किरण समझिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसी को परावर्तन किरण या और इसको परावर्तित किरण बोलते हैं, या फिर आपतित किरण और परावर्तित किरण भी इसको हम बोलते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आपको लिखना है, ऐसे ही बनाना है। और यहाँ पर ये चीज बताई गई है कि जो आपतित किरण होती है इसके द्वारा बनाया गया जो कोण होता है विलंब से, यही परावर्तित किरण का भी कोण होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नॉर्मल के साथ परावर्तन किरण द्वारा बनाया गया कोण परावर्तन कोण कहलाता है। और यहाँ पर एक चीज और है कि ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, चाहे आपतित किरण हो, परावर्तित किरण हो या विलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित है, आप देख सकते हो। अब हम यहाँ पर बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। प्रकाश के परावर्तन के विषय में आपने देखा कि किस तरीके से एक शीशे पर एक किरण पड़ती है और वो फिर शीशा क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है और उसमें एक अभिलंब होता है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रकाश के अपवर्तन पर हम बात करेंगे। आपने अक्सर ये चीज की हुई होगी कि आपने देखा होगा कि अगर आप कोई भी चीज डालते हो, मान लीजिए एक गिलास है, इसमें आधा पानी भरा हुआ है, आप इसमें कोई लोहे की रॉड डाल दीजिए या अपनी पेंसिल डाल दीजिए, तो आप देखोगे कि यहां तक तो पेंसिल आपको सही दिख रही है जहां तक पानी नहीं है, और जैसे ही पानी वाले पार्ट में जाती है पेंसिल, ये आपको कुछ मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है, झुकी हुई क्यों दिखाई देती है और टूटी हुई क्यों दिखाई देती है, इसका रीजन क्या है? ये आपका क्या है, वायु है। वायु से, वायु माध्यम से पेंसिल कहाँ जा रही है, जल माध्यम में जा रही है। पानी क्या है, जल है। अब जब पानी में, जब वायु से जल में कोई चीज जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है वातावरण चेंज हुआ, जो पेंसिल है इसके आसपास क्या है, वायुमंडल है, और ये जो पानी में है इसके आसपास पानी है, तो ये क्या है, वायुमंडल क्या है, विरल माध्यम है। विरल माध्यम का मतलब क्या है, वायुमंडल में जो कण होते हैं गैसों के वो दूर दूर होते हैं, लेकिन जो पानी है इसके कण क्या है, पास पास है। आप सभी को पता है लिक्विड जो होता है इसका जो डेंसिटी होता है वो वायु से ज्यादा होता है, तो यहाँ पर इसका घनत्व अधिक है और इसका घनत्व क्या है, वायु का कम है और पानी का ज्यादा है। तो जब कोई भी वस्तु जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल का मतलब जिसमें चीजें दूर दूर कण हो और सघन का मतलब जिसमें कण पास पास हो, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ये जो अभिलंब सीधी रेखा आपको दिख रही है अभी आपने देखा परावर्तन में, तो यहाँ पर भी क्या होता है, अपवर्तन में भी एक अभिलंब होता है, तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है, ठीक है। ये जो मुड़ी हुई पेंसिल आपको दिख रही है ये थोड़ी थोड़ी झुकी हुई दिखेगी आपको अभिलंब की तरफ। जब फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं कि जब भी कोई भी वस्तु विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाता है। अब चलिए हम समझते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश किरण का मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये सब मैंने आपको बता दिया। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अगर यही सेम केस होता पानी से वायु में ये आता पेंसिल आती तो पेंसिल और दूर हट जाती, ठीक है, अभिलंब से। तो अपवर्तन में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य व प्रकाश का वेग बदलते हैं जबकि आवृत्ति नहीं बदलती। इस तरीके से आप समझ सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पर देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल भी बताए गए हैं और यहाँ पर देखिए अपवर्तन के और क्या क्या एग्जाम्पल यहाँ पर बताए गए, इनको देखने से पहले एक बार फिर से हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है और ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो ये अपवर्तित किरण है ये जो दूसरे माध्यम में आ रही है, ठीक है।
और यहाँ पर आपतित किरण के द्वारा बनाया गया कोण आई है और अपवर्तित किरण के द्वारा बनाया गया कोण आर है। ये अभिलंब से बनाया हुआ कोण है, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से पानी में सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, अगर आप पानी में सिक्के को डालोगे तो आप देखते हो कि सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है अपवर्तन। इसके बाद तारों का टिमटिमाना भी आपने देखा, इसका रीजन भी अपवर्तन ही होता है। पानी में रखी छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, जैसा कि मैंने भी आपको समझाया कि पानी में डाली हुई जो पेंसिल थी वो क्या हो रही थी, मुड़ी हुई दिखाई दे रही थी। सूर्य उदय से पहले सूर्य का दिखाई देना, तो ये सभी क्या है? अपवर्तन के उदाहरण है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसका फिगर अच्छे से बना लेंगे और बहुत ही अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर लेंगे, और आप अच्छे से इसका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही अच्छे से बना लेंगे। इसको भी अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा आपका प्रोजेक्ट। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पूरा आपको समझ में आया होगा कैसे आपको बनाना है और किस तरीके से आपको इसको लिखना है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको जितनी चीजें यहाँ पर हम समझाते हैं वो सभी आपको समझ में आ रही होंगी और आप बहुत ही अच्छे से अपना प्रोजेक्ट कार्य कर रहे होंगे। दोस्तों अगर आपने और अभी प्रोजेक्ट हमारे नहीं देखे हैं जो हमने बनवाए हैं, तो उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के प्लेलिस्ट पर क्लिक करिए। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी जितना अब तक हमने अपना पूरा वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट का। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ऐप पर आप टारगेट यूपीटेट सीटेट को सर्च करके भी वहां से भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहें और ऐसे ही अपना प्रेम और स्नेह हमसे बना करके रहें दोस्तों, क्योंकि आगे चल करके हम आपके लिए लगातार अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आएंगे। लगातार जो भी आप लोग की स्टडी से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी को अच्छे से हम पढ़ा रहे हैं, सभी की क्लासेस ले रहे हैं और आगे चल करके हम आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सबकी तैयारी करवाने वाले। तो प्लीज आप लोग ऐसे हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को हमारे ऐसे ही देखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।